आइए अब एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है अगर उसके लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाए और उसके ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कहा गया है कि अगर हम उसके लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करें और उसके ब्रेथ को भी 2 यूनिट इंक्रीज करें तो रेक्टेंगल का एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। हमें रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर उनका सॉल्यूशन करेंगे। लेट द लेंथ एंड ब्रेड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्स। हेयर एरिया इज इक्वल टू लेंथ हमने x माना और ब्रेड्स को y माना तो x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। केस फर्स्ट। क्वेश्चन के पहले पार्ट में कहा गया है कि अगर हम उस रेक्टेंगल की लेंथ में 5 यूनिट कम कर दें और उसके ब्रेड्स को 3 यूनिट बढ़ा दें तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। लेंथ में से 5 यूनिट रिड्यूस करने पर जो लेंथ बचेगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आफ्टर रिड्यूसिंग 5 यूनिट इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। पहले की जो लंबाई हमने मानी थी वो एक्स थी, अब उसमें से 5 यूनिट कम कर दिया गया तो एक्स माइनस 5 हो जाएगी अभी की लंबाई। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आफ्टर इंक्रीजिंग 3 यूनिट इज इक्वल टू, पहले की जो ब्रेड्थ थी वो y थी और इसमें 3 यूनिट का इंक्रीज कर दिया गया तो अब y प्लस 3 इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। x माइनस 5 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब जो एरिया लेंथ को रिड्यूस करने के बाद और ब्रेड्थ को इंक्रीज करने के बाद जो एरिया आ रहा है वो पहले के एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। जो हमने पहले एरिया निकाला था वो एक्स वाई था, उससे 9 यूनिट कम। x माइनस 5 और y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म x का मल्टीप्लाई पहले y से एक्स वाई, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से प्लस 3x, फिर माइनस 5 का y से माइनस 5y और फिर माइनस 5 का प्लस 3 से माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। हमने वेरिएबल को एक साइड सेपरेट कर लिया और कांस्टेंट को एक साइड सेपरेट कर लिया है। एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। केस टू। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कहा गया कि हम उनकी अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज करें तो उनका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करने पर लेंथ हो जाएगी x प्लस 3, ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज करने पर ब्रेड्थ हो जाएगी y प्लस 2 और इन दोनों का एरिया हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जो पहले एरिया थी उससे वो 67 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी तो x प्लस वाई प्लस 67। अब हम x प्लस 3 और y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई पहले y से एक्स वाई, फिर x का 2 से प्लस 2x, अब 3 का y से प्लस 3y, फिर 3 का 2 से प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6। एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड,
we get 2x is equal to 61 minus 3y. हमने y के टर्म को RHS के साइड भेज दिया. x is equal to 61 minus 3y upon 2. इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं. Put this value of x in equation first. We get 3x minus 5y is equal to 6. इसे हमने इक्वेशन सेकेंड माना था. अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर 3 इंटू 61 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट बंद माइनस 5y इज इक्वल टू 6. 61 इंटू 3 183 माइनस 9y अपॉन 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 6. दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 183 माइनस 9y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू 12. 2 और 2 कैंसिल. 183 माइनस 9y माइनस 10y इज इक्वल टू 12 माइनस 19y इज इक्वल टू 12 माइनस 183 माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171. माइनस और माइनस कैंसिल. 19y is equal to 171. Y is equal to 171 upon 19 is equal to 9. Y is equal to 9. Put this value of y in equation third. We get equation third jo tha, x is equal to 61 minus 3y upon 2. Ab is equation mein y ki value 9 put karne pe. x is equal to 61 minus 3 into 9 upon 2. x is equal to 61 minus 27 upon 2 is equal to 34 upon 2. x is equal to 17. Therefore, length is equal to 17. Breadth is equal to 9.